आज के सुनो का आरआरबी ग्रुप डी 2018 में एवरेस्ट टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने को पार्ट वन में सॉल्व करा दिया। ठीक है, एवरेस्ट टॉपिक से 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने को पार्ट वन आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, ग्रुप डी में जो पूछे गए थे। इस वीडियो में क्या करेंगे, 2018 से पहले के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज के क्या कराऊंगा, एवरेज टॉपिक से 2018 से पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया, पांच संख्याओं का औसत 9, उनमें से तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो पूछा कि हमसे अन्य दो संख्याओं का औसत होगा। इसमें हमसे क्या पूछा गया, अन्य दो संख्याओं का औसत क्या होगा, इसमें हमसे ये पूछा गया। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एवरेज टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप एवरेज टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या कहा गया, पांच संख्याओं का अगर ये एवरेज है, मतलब कि प्रत्येक बराबर बराबर, ठीक है, अगर पांचों संख्याओं का योग पता करना तो करें कि आप इसमें इसमें गुणा कर लेंगे, इसका क्या करें आप इसमें आप गुणा करें तो पांचों संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे पूरा डिटेल में बताया था। तो आप यहां से लिख लिए, पांच संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 9। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लिए, पांच संख्याओं का औसत कितना, ये 9। तो पांचों संख्याओं का योग पता करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, इसमें क्या करें गुणा करें, कितना मिल जाएगा, 45 आपको मिलेगा। फिर क्या कहा गया, उनमें से तीन संख्याओं का औसत कितना है दिया गया, 7 दिया गया। अगर तीन संख्याओं का औसत कितना है, 7 दिया गया, तो तीनों संख्याओं का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करिए, कितना हो गया, 17 का 21, या 3 7 कितना हो गया, 21। और लास्ट में उनसे पूछा कि अन्य दो संख्याएं जो बच गई उनके एवरेज हमसे पूछा है। अब देखिये ऊपर कितनी, पांच संख्याओं का योग है, और नीचे कितनी, तीन संख्याओं का योग। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो कितनी संख्याएं मिलेंगी, दो संख्याएं मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी, दो संख्याएं मिलेंगी, और दो संख्याओं का योग अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो दोनों संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे ये 4 हो गया और ये 2। देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है, 24, और इनको पूछा कि आपसे एवरेज पूछे, तो एवरेज हम करेंगे इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर आप इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 12 बढ़ जाएगी। ठीक है, भाग कितनी बढ़ जाएगी, 12 बढ़ जाएगी, अर्थात आप बता सकते कि जो अन्य दो संख्या है उनका एवरेज कितना होगा, 12। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 9 संख्याओं का औसत 7 है तथा 7 अन्य संख्याओं का औसत 9 है, सम्मिलित रूप से सभी संख्याओं का औसत है, इसमें आपसे ये पूछा गया, यानी सभी संख्याओं को, 9 संख्या यहाँ पे दी गई और 7 संख्या यहाँ, तो सभी संख्याओं का आपसे क्या पूछा, एवरेज आपसे पूछा गया। अगर ये 9 संख्याओं का औसत दिया गया तो 9 संख्याओं का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करिए, तो आप यहां से लिख लीजिए, 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 7 दिया गया, तो 9 संख्याओं का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 63 आपको मिलेगा। 7 अन्य संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 9 दिया गया, 7 अन्य संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 9, तो इन 7 संख्याओं का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, 7 9 63। अब देखिए पूछा कि सभी संख्याओं का एवरेज पूछा है, अगर आप यहां से जोड़ेंगे तो कितनी संख्या मिल जाएगी, 16 संख्या मिलेगी, और इन सभी का अगर योग करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 6 हो गया, और 6 6 12, 126 मिलेगा। 16 संख्याओं का योग इतना है और हमको करना है कि एवरेज बताना है, तो एवरेज में करेंगे इससे क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, 16 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए कितने से कटेगा, देखिए अगर आप काटेंगे 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, काट के लोग छोटा कर रहे, 2 6 12 हो गया, 2 3 6, 2 8 कितना, 16 हो गया। अब करना क्या आपको, इससे इसमें भाग दो, 8 7 56 हो गया, 8 7 56 बचा कितना, 7, 7 में 8 से भाग जाए कि नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दो, ये इसका क्या आगे आंसर है, इन सभी संख्याओं का एवरेज कितना गया, 7 सही 7 बटा 8 आ गया। तो देखिए कौन सा उसने मैच करा, 7 सही 7 बटा 8, देखिए कौन सा उसने मैच करा, 7 सही 7 बटा 8,
तो देखिए 7 सही 7/8, आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं क्या? काट के छोटा कर सकते हैं, 2 7 14 2 8 16, तो देखिए इसका इसको मैच करा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 सही 7/8, ये जो दिया गया 14/16, तो 14/16 को आप क्या कर सकते हैं 7/8 लिख सकते, कोई फर्क नहीं, तो कौन सा इसका? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया? क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 8 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत है, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी क्या कहा गया? प्रत्येक संख्या में क्या कहा गया? 2-2 की वृद्धि कर दी जाए। अगर प्रत्येक यानी 8 संख्याओं में 2-2 की वृद्धि करेगा तो एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो आप इसमें डायरेक्ट क्या करें, आप इसको जोड़ लिए, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, एवरेज में भी क्या हो जाएगी? 2 की वृद्धि। अगर प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ेंगे तो एवरेज में भी क्या हो जाएगी? 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो नया एवरेज कितना मिल जाएगा? नया औसत कितना मिल जाएगा? 12+2 कितना हो जाएगा? ये 14, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कौन सा? सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया? क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए कॉमा बी तथा सी का औसत भार 45 kg है, यदि ए और बी का औसत भार 40 kg है तो बी और सी का औसत भार कितना? 43 kg है, तो बी का भार हमसे पूछा गया। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया आप उसको लिख लें, इन तीनों का औसत कितना दिया गया? 45 kg दिया गया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एवरेज कितना दिया गया? 45 kg दिया गया। अगर तीनों के भारों का योग निकालेंगे तो क्या करें? तीन व्यक्ति हैं, इसमें 3 से आप गुणा करें। अगर आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 कितना हो गया? 13, इतना kg हो जाएगा, यानी सभी का योग कितना हो जाएगा? इतना kg हो। फिर क्या कहा गया? ए तथा बी का औसत भार कितना दिया गया? 40, तो ए प्लस बी का औसत भार कितना दिया गया? 40 kg दिया। तो इन दोनों का योग पता करने के लिए आप इसमें क्या करें? 2 लोग, इसमें 2 से आप गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो गया? 80। बी और सी का कितना दिया गया? 43 kg दिया गया। आप यहां से कर लीजिए, बी प्लस सी का कितना दिया गया? 43 kg, कितना दिया गया? 43 kg दिया गया। कितना क्लियर है? अब दोनों का योग पता करने के लिए क्या करें? 43 में क्या करें? 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6 हो गया, और 2 × 4 = 8। और हमसे पूछा कि बी का भार पूछा है, जबकि तीनों का भार कितना? इतना है। अगर हम लोग करें क्या, जहां पे ए और बी है इसके हम कितना रख सकते? 80 रख सकते क्या? 80 रख सकते, कोई फर्क नहीं। जब यहाँ पे 80 रखेंगे तो ये आके इसमें से घट जाएगा, तो हमको किसका भार पता चलेगा? सी का भार पता चलेगा, या हम यहीं पे डायरेक्ट घटा लेंगे। अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 55 मिलेगा। इतना क्लियर है? अब करना है कि इसके बाद हमको किसका मान पता चल गया? सी का। सी का भार कितना पता चल गया? 55। सी का भार कितना? ये 55। तो आप जहां पे यहाँ पे सी है ना, तो इसमें कितना रख सकते हैं? इसके लिए आप 55 आप रख सकते हैं। जहां यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप सी की जगह 55 रख सकते हैं, और 55 जाके इसमें से कट जाएगा, तो हमको किसका भार पता चल जाएगा? बी का भार पता चल जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए बी का भार। अब करना है कि ये इधर आके घट जाएगा, अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 1 हो गया, और ये यानी बी का भार कितना है? 31 kg है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया? क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपए औसत प्राप्त करते हैं। 5 भाई साप्ताहिक कितना? 60 रुपए औसत प्राप्त करते हैं, मीन्स प्रतीक कितना? सप्ताह में कितना? 60 रुपए प्रतीक पा रहे हैं। यदि एक भाई 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत होगा, इसमें आपसे ये कहा गया। देखिए 5 भाई हैं और ये करके रहे, कितने कितने पा रहे हैं? 60-60 रुपए पा रहे हैं। तो सभी का योग पता करने के लिए कुल कितना पा रहे हैं? इसमें क्या करें? 5 से गुणा कर लिए। ये एवरेज दिया है ना, इसमें क्या करें? सभी का योग पता करने के लिए इसमें 5 से गुणा कर। तो आप यहां से लिख लीजिए 5 भाई हैं और इनका एवरेज कितना देगा? 60 रुपए देगा। तो सभी का योग पता करने के लिए इसमें गुणा करें 5 × 6 = 30, कितना मिल गया? 300 रुपए। अब कंडीशन ये है
यदि एक भाई क्या कर रहा है 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है, एक भाई क्या कर रहा है 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है, जितना ये लोग प्राप्त कर रहे उतना तो कर ही रहा है, लेकिन एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा है, तो वर्तमान औसत यानी नया औसत क्या होगा, इसमें आपसे ये कहा गया। तो करना क्या, देखिए सभी का इतना है, सभी का इतना है, लेकिन एक भाई क्या कर रहा है 10 रुपये एक्स्ट्रा पा रहा है, अब उनका एवरेज पूछा है, तो करना क्या, आप इसमें 10 क्या करिए आप ऐड कर लिए, तो आप एवरेज के लिए क्या करें, आप यहां से लिख लिए एवरेज के लिए, हम लोग करेंगे इसमें 10 जोड़ करके 5 भाई इसमें 5 से भाग ले, तो 300 प्लस कितना हो जाएगा ये 10 बटे कितना हो गया 5। आप इन दोनों को जोड़कर भाग दे सकते हैं या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो कितना मिल जाएगा 310 डिवाइड कितना ये 5, तो 5 6 30 हो गया और 5 2 10 ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना गया 62 रुपये आ गया, नया एवरेज कितना आ गया 62 रुपये आ गया, तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 50 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात करें, यानी भार आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल में भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको दोनों तरीके बताया था, डिटेल में भी बताया था और ट्रिक से भी आपको बताया था। इस क्वेश्चन को हम क्या करें, ट्रिक से सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हमें मान लो कि ये कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है 8 व्यक्ति, आप यहां से 8 व्यक्ति है, अब इनका भार कितना, ये 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, कब वृद्धि होती है, जब इसमें से क्या करे 50 केजी वाला जा रहा है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति इसके स्थान पे नया आ रहा है, तो कहने का मतलब ये कि 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना रहा होगा 50 केजी रहा होगा। अब इसमें से क्या करा, एक व्यक्ति जा रहा है यानी अपना भार ये क्या करा लेके जा रहा है, और जब इसमें एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है, जब इसमें दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो प्रत्येक में कितने की वृद्धि होगी, 2-2 की वृद्धि, यानी 2-2 की वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब ये कि ये जितना जा रहा है लेकर उतना तो वो नया वाला व्यक्ति ला ही रहा है 50 50, क्या कर रहा है ये वाला व्यक्ति जितना लेके जा रहा है 50, उतना जब नया व्यक्ति आ रहा है वो 50 ला रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ला रहा है जो अपने भी ले ले रहा है और जो 7 बज गए उन 7ों में भी डिवाइड कर रहा है, यानी प्रत्येक में क्या कहा गया 2 की वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब 8ों में वृद्धि होगी, तो कितना एक्स्ट्रा लाएगा, यानी कितना लाएगा 2 8 16, कितना लाएगा एक्स्ट्रा 16 केजी एक्स्ट्रा भार लाया, ठीक है। अब करना क्या, आप इन सभी को जोड़, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 66 केजी मिलेगा, यानी आप बता सकते हैं कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका भार कितना है 66 केजी। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें हुआ कि 8 व्यक्ति इनका औसत भार इतना है, जब इसमें से एक व्यक्ति जा रहा 50 केजी लेके जा रहा, इसके स्थान पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा तो प्रत्येक में कितने की वृद्धि होगी, 2-2 की वृद्धि होगी, 2-2 की वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब ये जो जा रहा उतना तो ये ला ही रहा, जो आने वाला है इतना ला रहा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ला रहा है जो अपने भी ले रहा है और उन 7ों में भी डिवाइड कर, यानी कहने का मतलब कि 8ों में 2-2 की वृद्धि, 8 गुना कितना हो गया 16। अब करने के इन सभी को जोड़ लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि जो नया व्यक्ति आ रहा उसका भार कितना है 66 केजी। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 रुपये है, यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें जोड़ दिया जाए तब औसत मासिक वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है, मैनेजर का मासिक वेतन है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल में भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको अच्छा लगा आप उससे फॉलो कर लीजिए। देखिए अब इसने कहा कि 20 कर्मचारी, आप यहां से लिख लीजिएगा 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना दिया गया, 1500 रुपये दिया गया, तो सभी का योग पता करने के लिए हम करें क्या, इसमें गुणा कर ले, तो 15 गुना कितना हो गया 30, कह सकते हैं कितना हो जाएगा 30,000 रुपये हो जाएगा, सभी का योग कितना हो गया 30,000 रुपये। अब इसमें हो क्या रहा, जब मैनेजर शामिल हो रहा है, मैनेजर का वेतन शामिल कर लिया तो कितने होंगे एवरेज में, कितने की वृद्धि होगी 100 रुपये की वृद्धि होगी। अब यहां से करना क्या आपको 20 प्लस 21, यानी अब क्या हो गए कर्मचारी प्लस मैनेजर 21 लोग हो गए कि नहीं हुए, अब क्या हो गया एवरेज में कितने की वृद्धि होगी 100 की वृद्धि होगी, पहले एवरेज कितना 1500 था,
अब कितना हो गया 1600। तो करना के सभी का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करें तो क्या मिल जाएगा, डबल जीरो तो लास्ट में मिलेगा ही, 16 एकम 16 हो गया और 16 दुना 32, 32 से कितना हो गया 33 हो गया। अब इसके बाद करना क्या, आप यहां से घटा लेंगे, ये देखिए ऊपर 20 कर्मचारियों का वेतन इतना है, अब नीचे कितना हो गया कर्मचारी प्लस मैनेजर कुल कितना हो गया 33,000 कितना हो गया 600। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मैनेजर का वेतन कितना, ये पता चल जाएगा कितना मिल जाएगा 3600 रुपये, मैनेजर का वेतन कितना है 3600 रुपये, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, आप इसे शॉर्टेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया, क्वेश्चन देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 तथा अंतिम 3 का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या, इसमें आपसे ये पूछा गया। अब देखिए ये कहा गया 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत कितना दिया गया 15 दिया गया। अगर मैं मान लू इस तरह से कितनी संख्या है, 4 संख्या है, इस तरह से कितनी संख्या है, 4 संख्या है, और हमको क्या पता अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, अंतिम 3 का एवरेज कितना दिया गया 16 दिया गया, और लास्ट यदि अंतिम संख्या कितना 19, यानी लास्ट वाली संख्या हमको पता है, लास्ट वाली संख्या पता है और हमसे पूछा कि पहली वाली संख्या पूछा है। अब ये कहा कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 15 दिया गया, अगर इनकी बात कर लिए तो इन तीनों संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 15 दिया गया, 3 संख्या ना, अगर तीनों संख्याओं का योग पता करो आप इसमें गुणा करें कितना 45, यानी प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 45 हो गया। फिर क्या कहा गया, अंतिम 3 का एवरेज कितना दिया गया 16, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग पता करने के लिए कितना 16 3 48 कितना हो जाएगा 48, यानी अंतिम 3 संख्या लेंगे तो यही आपको मिलेंगे, अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज योग कितना हो जाएगा 48 में, 16 3 कितना हो गया 48, इतना क्लियर है। और हमसे पूछा कि पहली संख्या पूछा है तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब करना है कि देखिए इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया 48 दिया गया, जबकि एक संख्या मुझे पता चले कितना 19 है, अगर 19 को क्या कर दो इसमें से घटा दो मुझे ये पता चल जाएगा कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 29 मिलेगा, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 19 है, जबकि तीनों संख्याओं की बात की जाए तो योग कितना होगा 45 है, तीनों संख्याओं का योग कितना है 45, जबकि इन दोनों संख्याओं का योग मुझे पता चले कितना 29 है। अब करना क्या, अगर मैं इसको इसमें से घटा लूं, ये तीनों संख्याओं का योग और इन दोनों संख्याओं का कितना 29, अगर मैं इसको इसमें से घटा लूं तो मुझे पहली संख्या पता चलेगी, पता चलेगी नहीं पता चलेगी, तो करिए कि आप इसको यहां से घटा लें, जब घटाएंगे तो यहां से लिख लिए 45 और ये 29, तो ये कितना मिल जाएगा 16 आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा 16 मिलेगा, पहली संख्या आपको कितना पता चल गई 16, ये इसका आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है तथा 7वां अंक आ जाने से उनका औसत 11 हो जाता है तो 7वां अंक क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। क्या कहा गया, 6 संख्याओं का औसत इतना दिया, आप यहां से लिख लें 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 12 दिया गया, तो इन 6 संख्याओं का योग पता करने के आप इसमें क्या करेंगे 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगी 12 6 12। फिर क्या कहा गया, 7वां अंक आ जाने से औसत कितना हो गया 11, 7वां अंक आ जाने से एवरेज कितना हो गया 11, पहले 6 संख्याएं थी, अगर एक संख्या और आ गई तो यानी 7 संख्याओं की, 7 संख्याओं का अब एवरेज में कितना हो गया 11, अब एवरेज कितना हो गया 11। तो करना है कि इन 7 संख्याओं का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करें कितना हो जाएगी 77, इतना क्लियर है। ऊपर देखिए 6 संख्याओं का योग इतना दिया गया और नीचे 7 संख्याओं का इतना दिया, तो 7वां अंक हमसे पूछा है ना, अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या पता चलेगा 7वां अंक क्या, ये पता चलेगा 7वां अंक कितना है 5, ये इसका आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष, जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत आयु होगी, इसमें आपसे ये करें,
एक परिवार के 5 सदस्य इनका एवरेज कितना दिया गया 30। तो पांचों का योग पता करने के लिए आप इसमें क्या करिए 5 से गुणा, 5 सदस्य हैं तो इसमें क्या करिए आप 30 से गुणा कर इनके एवरेज कितने मिल जाएगा, ये कितना वर्ष मिल जाएगा, ये 150 वर्ष मिल जाएगा। इतना क्लियर है। जब 22 वर्ष वाला एक चला गया, एक सदस्य क्या हो गया चला गया, तो सभी का भार इतना है। अगर एक 22 वर्ष वाला क्या हो गया चला गया, अगर एक 22 वर्ष वाला चला गया तो बचा कितना, आप इसको घटा ले कितना बच गया 128 वर्ष। ये कितने लोगों का भी ये योग है, 4 लोगों का योग है, सदस्य के 4 लोग बचे कि नहीं बचे, अगर एक चला गया 22 वर्ष वाला तो बचे कितने 4 सदस्य बचे, और इनका योग कितना है, सभी के आयु का योग कितना है 128 वर्ष। एवरेज के लिए करेंगे इससे क्या कर देंगे भाग देंगे, एवरेज के लिए कह रहे हैं इससे भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो 4 × 8 हो गया, सॉरी 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 हो गया और 4 × 8 तो नया एवरेज कितना मिल जाए हमको 32 वर्ष मिलेगा। अगर एक चला गया तो नया एवरेज अब कितना होगा 32 वर्ष। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। अब रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एवरेज टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप एवरेज टॉपिक को कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।